हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग ब्लाइंड 75 के नए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो एरे का क्वेश्चन है, जो है कंटेन्स डुप्लीकेट। तो हम लोग को इसको इसमें एक एरे दिया हुआ गया है, और हम लोग को ये चेक करना है कि कोई भी एलिमेंट अगर ट्वाइस रिटर्न, एटलीस्ट ट्वाइस मतलब एक भी बार रिपीट हो रहा है, हम लोग को ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज नहीं, फॉल्स रिटर्न करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एरे दी गई है, इसमें 1 2 बार रिटर्न हो रहा है, दो दो बार है, तो इसे हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे। जैसे ये दिया गया है 1 2 3 4, इसमें एक कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो ये फॉल्स। इसमें वन ही 2 बार रिपीट हो रहा है तो ट्रू। इसमें 3 भी रिपीट हो रहा है, मतलब कोई भी है, कोई भी नंबर अगर एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो हम लोग ट्रू रिटर्न करेंगे। तो दोस्तों सॉल्व, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें तो हम लोग सपोज करो एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें सपोज करो 1 1 2 3, ये चार, ये एक एरे दिया गया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जावा में एक हैश सेट बना लेंगे, ठीक है। हैश सेट में क्या होता है, हैश सेट में कोई भी एलिमेंट 2 बार स्टोर नहीं होता है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी जावा पढ़ा होगा तो पता होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एरे में इटरेट करेंगे। तो जैसे पहला हम लोग पहले 1 के पास गए, हम लोग ने चेक किया 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 हैश सेट में 1 है, हैश सेट में भी 1 नहीं है, तो हम लोग ने हैश सेट में 1 डाल दिया। फिर हम लोग गए, फिर हम लोग ने क्या, फिर हैश सेट 1 के पास गए, फिर हम लोग ने चेक किया कि हैश सेट में 1 है, हाँ हैश सेट में 1 है, तो हाँ, तो मतलब एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सपोज करो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये थोड़ा इजी हो गया। जैसे 2 3 4 5, एक हम हैश सेट मेंटेन करेंगे। इसमें क्या है, हम लोग ने इटरेट किया, 2 से स्टार्ट किया, क्या हैश सेट में 2 है, इस समय हैश सेट में 2 नहीं है, तो 2 हम लोग ने डाल दिया। 3 3 पे गए, क्या हैश सेट में 3 है, हैश सेट में 3 नहीं है, 3 हम लोग ने डाल दिया। 4 पे गए, हैश सेट में 4 है, नहीं है, 4 डाल दिया। 5 पे गए, हैश सेट में 5 है, नहीं है, 5 एंटर कर। अब 2 पे गए, क्या हैश सेट में 2 ऑलरेडी है, 2 कंटेन्स है, हाँ हैश सेट में 2 कंटेन करता है, तो हम लोग को ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर और अगर मान लो सपोज करो यहाँ 2 नहीं थे और कुछ होता जो इसमें नहीं, 6, हम चेक करते क्या सेट में वो है, नहीं है, तो हम लोग वहां से फॉल्स रिटर्न कर देते। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो इसके अब हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो हम लोग पूरे एरे पे इटरेट करेंगे, तो एरे पे इटरेट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑफ एन, ठीक है। और एरे में हैश सेट में एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी एलिमेंट को फाइंड करने की होती है ओ ऑफ 1, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग एन एलिमेंट को फाइंड कर रहे हैं, एन एलिमेंट को चेक कर रहे हैं बार बार ओ ऑफ 1, तो ये कितनी हो जाएगी हैश सेट में, एक एलिमेंट को फाइंड करने की हो रही है ओ ऑफ 1, एन एलिमेंट की हो जाएगी एन, तो इटरेट करने की हो गई है ओ ऑफ एन, और नीचे की एन, तो एन इंटू ओ ऑफ एन, तो बेसिकली ओ ऑफ एन। इस क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हमारे लोग की होगी ओ ऑफ एन, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग ने कि इंट एन इक्वल टू नम्स ऑफ नम्स डॉट लेंथ, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हम लोग ने एक हैश सेट बना लिया, अब फॉर इंट हम लोग ने अब एलिमेंट को इटरेट कराया एरे पे, एरे इटरेट की। अब हम लोग ने क्या किया, इफ सेट डॉट कंटेन्स, सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है नम्स ऑफ आई, सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू, ठीक है। एल्स हम लोग सेट में ऐड कर देंगे नम्स ऑफ आई, ठीक है। और यहां से अगर इससे ट्रू रिटर्न नहीं हुआ तो हम लोग यहां से रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। चलिए रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। ये सारे टेस्ट केस हम लोग के पास हो गए हैं।
तो दोस्तों काफी आसान क्वेश्चन था, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग अगर हैसेट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा पढ़ लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं इसके ब्लैंक 75 के नए नए क्वेश्चन में।